ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 12/7/2021 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में भगवान वाच हम आत्माओं प्रति सुनाए बच्चों को। तो मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। बाबा ड्रामा अनुसार इस कल्प के अंत अर्थात आदि और अंत के बीच में संगम योग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर इस संसार में आते हैं, पराय देश में आते हैं और निष्काम निरहंकारी किसी भी बच्चों के प्रति या बच्चों से किसी भी प्रकार की आस नहीं रखते, बल्कि बच्चों को इस विश्व में बादशाही देकर आधे कल्प का सुख देकर इस बेसार वाली दुनिया में सार वाला संसार लाकर सतयुग की स्थापना कराकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें फिर ना तो हीरे महलों के महल में कोई दिलचस्पी है और ना ही बच्चों की इस ऊंचाई से कोई उनको दरकार, कोई भी लेना देना नहीं है। बस खुशी है बच्चों की इस ऊंचाई पर बैठे हुए देखते। तो देखिए बाबा कितना निष्काम और कितना निरहंकारी सेवाधारी है, बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर में बाबा ने कहा, सभी को बताओ कि तुम दुख हर्ता सुख कर्ता के बच्चे हो, तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, यह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से जो छूट जाएंगे। आपका काम है बताना पैगंबर का, आपको पैगाम देना है, मैसेंजर बनना है। फिर जो इस मैसेज को सुनकर के उसे धारण करते हैं, इस पैगाम को सुनकर जीवन में, वह 21 जन्मों की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। प्रैक्टिकल में रिलेशन हमारा और उस परमात्मा का, बाप और बच्चे का संबंध है। तो सम्मुख बैठी है कौन? आत्मा परमात्मा के साथ सामने, तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो आत्मा, तुमको तो अपना शरीर है बाबा कहते, इनको तो लोन लिया हुआ शरीर है। परमपिता परमात्मा को खुद का शरीर नहीं है, लोन कहो, लीज कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए कहो, तो इनका तन उन्होंने लिया है थोड़े समय के लिए। बाबा कहते हैं, गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं, भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है, वो पालना करते ना पत्नी की हर बात को मान करके, उनका
पालना करते हैं एक तरह से, तो वो पति परमेश्वर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारत में तो स्त्री पति को गुरु और ईश्वर समझती है, अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है ना, हमेशा लेते ही आए हैं, हर कल्प में तो लेने आए हैं। अभी हमें बाबा कहते हैं कि सदगति को पाना है। बाबा कहते यह तो निश्चय है ना, सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, कोई को 100% जो कोई को बाबा कहते हैं 100% फॉलोअर्स, कोई के 500, कोई के 50 भी होते हैं, गुरु के फॉलोअर्स होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं, है ना। जैसे खोजों का अखांगा गुरु है ना? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, अनेक है ना, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है ना, स्थूल धन से तो कमाई होती है ना, शरीर निर्वाह के लिए ही तो शास्त्र आदि पढ़ के शास्त्री बन जाते हैं, पूजा वाले पंडित बनते, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बस उन्होंने शास्त्र कर लिया, याद कर लिया या पढ़ाई कर ली वाराणसी जा करके, तो फिर वो अपने शरीर निर्वाह के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जीवन में। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से फिर किसी के नंबरवार होते तो फिर किसी किसी के जो है लाखों करोड़ों भी जो है कमाई होती है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो कितना उनको फिर फॉलोअर्स होते हैं तो कितना फिर उनको रिगार्ड देते हैं, है ना। फिर भल कुछ बाबा कहते हैं कुछ भी करने वाला हो लेकिन उनका मान कितना बहुत जो कितना होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि कितने इतने बहुत हैं तो उनको हीरों में तौलकर दान किया था, उनके शिष्यों ने, बाबा कहते हैं एक तरफ हीरे तो दूसरी तरफ जो है उनका गुरु, ऐसे तौल करते हैं, है ना, इतना धन से उन्हें तो हीरे दान करते हैं। तो बाबा कहते हीरे कितने कीमती होता है, हीरा के कीमती होता है ना। तो बाबा कहते हैं कितने हीरे होंगे, आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। बाबा कहते हैं दूसरा प्लैटिनम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, तो वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सत्य गुरु, इस सत्य गुरु को तुम क्या देंगे जो खुद ही देने वाला है, हैं? तो बाबा कहते हैं इस सत्य गुरु को तुम क्या दोगे, क्या देंगे, उनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। तो बाबा कहते हैं शिव तो है ही बिंदी, बिंदु में सिंधु है, बाबा कहते हैं तो वो तो खुद ही बिंदु है, बाबा कहते हैं उसका तो वजन ही नहीं है। तो वह जब इतना छोटा सूक्ष्म आदृश्य बिंदु, बाबा कहते हैं उनको क्या वजन करेंगे, तो बिंदी उनका क्या तुम वजन कर सकेंगे, यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, बाबा कहते हैं सबसे हल्का लाइट, खुद लाइट और हमें भी लाइट का राज समझा करके हमें भी लाइट बना देता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो तुम्हारा गुरु है तो वो तो है ही इतना सूक्ष्म, बिल्कुल ही सूक्ष्म, तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब यह तो बाबा कहते हैं है बेहद का बाप, तो इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता,
निष्काम सेवा भी कैसी है, बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े ही विश्व का मालिक बनते हैं, है? बाबा कहते हैं, उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छे रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं निश्चय किया बस, है ना? तो बच्चे बाबा के बने और इस बात का निश्चय किया और सब कुछ तुम्हारा, है ना? तो बाबा कहते हैं इस तरह से निश्चय किया बस, बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर, सागर सारा सागर मत स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी इन एंड नहीं हो सकती, है? बाबा कहते हैं तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। सच में बाबा, अभी हमारे ही पास में कितनी है, हैं? तो बाबा कहते हैं ढेर पुस्तकें हो जाएं। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है जो धारण करने की है। बाबा कहते जानते हो यह कोई जो है, बाबा कहते हैं परंपरा तो चलती नहीं है, है ना? तो बाबा कहते हैं अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाबा कहते हैं बाप का जो बाबा कहते हैं बाप का जास्ती होंगे तो चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस तरह बाबा कहते इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है, है ना? तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो इसको समझेगा वही फिर सबसे पहले आएगा, है ना? तो जो बाबा कहते हैं कि बच्चों को अपना परिचय देते हैं, खुद आकर बाप बच्चों को परिचय देते हैं, बाबा कहते हैं यही तो वही तो काफी है ना। तो बाप का जो परिचय देने से बाबा कहते हैं रचता, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है, बुद्धि कहती है। जो सतयुग में आते हैं उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, सबसे जास्ती पुनर्जन्म जो आदि में पार्ट बजाने आएंगे उनके ही सबसे जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, चक्र में जो पहले आए होंगे बाबा कहते हैं तो वह आएंगे। तो इस तरह से वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हारी एक ही जन्म की यात्रा, रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं तुम्हारी यह जो यात्रा है ना, वह एक जन्म की यात्रा है और इस यात्रा को रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। और इस यात्रा से बाबा कहते इस जो ये रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है, ना तो आपको दाम देना, ना स्थूल धन से तौलना, ना ही आपको कोई वाहन पकड़ करके, कोई फ्लाइट पकड़ करके, कोई मुश्किल पाके शरीर को कष्ट दे करके कहीं जाना आना है, हैं? शरीर को थोड़ी ले जाना है, मन बुद्धि के विमान में बिना टिकट, बिना मुश्किल, बिना कोई रुकावट के, बिना किसी बंधन के ये मन जो है कभी भी किसी भी समय 24/7 hours दिन रात सीधा बिना रुकावट के जा सकता है। ऐसी है ये रूहानी यात्रा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए फिर इसे जो है तीर्थ न्यारे कहा है। बाबा कहते हैं इस तरह से वह तो जो जन्म जन्म तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं, तुम्हारी तो रूहानी यात्रा में कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है, सदगति तो किसी की भी होती नहीं। बाबा कहते हैं यह जो
यह है सुप्रीम ज्ञान का सागर, है ना। तो बाबा कहते हैं सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए, तत्व भी कहना चाहिए सत्व प्रधान हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है ना। बाबा कहते कितने अर्थों का एक आदि होते हैं, सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी, है ना। बाबा कहते बाप है ही दुख हरता और सुख करता, तो तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है, सबका सबको रास्ता क्या करना है बताना है, है ना। क्योंकि आप सुख के सुख सागर के बच्चे हैं, तो मास्टर सुख सागर हुए ना। जो जो आप दुखहर्ता के बच्चे तो मास्टर दुखहर्ता हुए, है ना। प्रेम के सागर के बच्चे तो मास्टर लगेगा ना, आपके पिता के नाम के आगे मिस्टर आपके आगे मास्टर लिखा रहता है ना, क्योंकि एक पिता के बच्चे हो आप। तो वो शेर का बच्चा शेर गीदड़ तो नहीं होगा, है ना। तो सर्वशक्तिमान का बच्चा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो सकता है ना। बाप समान हो सकता है, बाप नहीं बन सकता है। तो बाबा कहते फिर ऐसा ही सबको बनाना है, दुख हरने वाला बनना है, है ना। तो बाबा कहते हैं सुख का वर्षा पाने का इस तरह से सबको बताना है रास्ता। बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है, बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता है, किसी तरह का दुख होता ही नहीं, रिंचक मात्र दुख नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं, तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे, बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं, बाबा कहते हैं सुरजीत होने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, सुरजीत देने होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे, बेहोश नहीं होंगे, मूर्छित नहीं होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं वह संजीवनी बूटी है मनमना भव। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निराहंकारी कहा जाता है। बाबा कहते हैं जिस तन में आते हैं वह भी साधारण तन है, कहते हैं ना कबीरा इस संसार में मिलिए सबसे धाय और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो नर से नारायण बनाने वाला वो सुप्रीम सोल इस जो कहना चाहिए कि साधारण तन इस बूढ़े तन का आधार पराए देश में आकर, पराई जो कहना चाहिए कि अपने दूर देश से आकर इस संसार में आते हैं रावण राज्य में, उनका राज्य थोड़ी है ये, लेकिन उन्हें आना ही पतित दुनिया में ही पड़ता है, क्योंकि पावन दुनिया में तो पतित दुनिया का कोई बात ही नहीं है। तो पावन दुनिया को पावन कैसे बनाएंगे, पतित दुनिया को पावन बनाएं तो पतित दुनिया में ही तो आना पड़ेगा ना। अब राम राज्य में राम आकर क्या करेंगे, तो रावण राज्य में ही आना पड़ेगा, तब तो राम राज्य में बदली होगा ना। तो ये सब बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है, इसीलिए निरंकारी कहा जाता है, बाबा जिस तन में आते हैं वह साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रेन, डियर चिल्ड्रेन आई एम योर, आई एम योर, बाबा कहते हैं ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बाबा कहते हैं अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। बाबा कहते हैं आजकल लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप ही अपने को ही श्री श्री लिखते रहते हैं। बाबा कहते हैं वह बाप है निराकारी निराहंकारी, अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो। हाँ, बाबा कहते हैं जानते हो
वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, एक मैं ही तीनों है। तो बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, बाबा कहते हैं, है ना। तो गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका गुरु कोई नहीं है, इनके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है। हमारे ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है, इनके ऊपर कोई माता पिता, कोई गुरु कोई नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं तो इनका कोई गुरु नहीं है, यह सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज पीसफुल, है ना। तो गॉड ही मतलब यह सब कुछ है, सत्य जानने वाला। किसका सत्य जानने वाला? हम आत्माओं का, इस मनुष्य सृष्टि का रचता, हम रचनाओं का ट्रुथ जानने वाला, सदगति दुर्गति कर्म अकर्म चारों युगों का, तीनों कालों का, हम आत्माओं का ट्रुथ, है ना। तो इस तरह से यह सतगुरु है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है, शरीर में संस्कार नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है, तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है यही बाप के हैं, फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, कृष्ण की महिमा अलग है। हाँ, बाबा जो है ना ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण कह नहीं सकते, शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं वह तो स्थिर है ही। बाप, बाबा कहते हैं बाप इन जैसे थोड़े ही करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे सुनने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे, पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। बाबा कहते हैं अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। तो इसका भी विस्तार कितना है? बाबा कहते हैं यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो, आधे कल्प सुख है ना, तो फिर मृत्यु लोक में नहीं लौटते हैं, उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। यदि हम इस संसार में कहीं कोई भक्ति काल में कोई यात्रा पर जाते हैं तो वापस लौट आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ तो तुम जो है वापस लौट आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो है इस तरह से यात्राओं से फिर लौट आते हैं, कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं ना। तो भक्ति का विस्तार देखो बाबा कितना है कहते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है ना, पीपल का बरगद का झाड़ देखा ना आपने, तो बाबा कहते हैं अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है ना। बीज जब आप डालते हैं आपको नहीं पता रहता है कि आम का कितने पत्ते, कितने तने, कितने पेड़ और कितना निकलेगा, कितना बड़ा होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कितना छोटा बीज होता है ना, लेकिन फिर उसका तो जो होता है रूप अथाह हो जाता है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है हम नहीं जानते हैं कि उससे कितना बड़ा पेड़ निकलेगा, बीज तो छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति जो है दुबका, बाबा कहते हैं ज्ञान का एक भी दुबका भी सदगति कर देता है। यदि आपने थोड़ा भी ज्ञान सुन लिया, परमात्मा को जान लिया, तो वह आपको सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, लिफ्ट कितनी अच्छी है ना। बाबा कहते नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है, है ना। नीचे से हम कहाँ हैं और वो दूरी जहाँ हमें जाना होता है कितना डिस्टेंस है, 2 भी सेकंड में हम वहां चले जाते हैं।
आप अपने मन बुद्धि से घूम आते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे आप अपने अमेरिका भी घूम आएंगे, आप जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, है ना। तो वही तो दृष्टि जो है, जिस दृष्टि से आप यहाँ बैठे बैठे आप अपने माँ के घर, अपने ऑफिस, अपने कोई ऐसी जगह घूम करके आ जाते हैं, वही दृष्टि तो दिव्य दृष्टि है ना। बाबा कहते उसी दृष्टि से तो, उसी मन बुद्धि में बैठ करके तो हमें अपने धाम परम धाम की यात्रा पर रहना है और परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है तुम जानते हो, है ना, कि किस तरह से हम सेकंड्स में चले जाते हैं, है ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, लिफ्ट कितनी अच्छी है बाबा कहते हैं, है ना, तो नीचे एकदम फिर ऊपर चले जाते। इसको कहा जाता है चढ़ती कला। सर्व का भला, सर्व का सतगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। बाबा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, ज्ञान से दिन होता है, भक्ति से रात होती है, और फिर जब हम वैरागी बन जाते हैं ना, तो फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य है ना, फिर बाद में हम आते हैं वापस किस में, भक्ति से वैराग्य हो जाता है तो हम फिर देवी गुण धारण करने के लिए इस चढ़ती कला में रहते। तो बाबा कहते सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य दो प्रकार का है, एक है हद का वैराग्य और दूसरा है जिसमें, बाबा कहते हैं हद का वैराग्य और जिससे कोई सदगति नहीं होती है, दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर, तो यह तुम्हारे लिए, तो कहते हैं ना बाबा कहते हैं यह तुम्हारे लिए भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है, है? जो दुनिया बनी है ना, तो वह मत मिली है कि ये जो दुनिया है वो रावण की दुनिया है, है ना। तो यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है, हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं यह बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। कि तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्म कुमारियां विनाश कराने वाली हैं, सचमुच विनाश तो होना ही है, तो इसमें बाबा कहते इससे ही तो कल्याण जो है कल्याण करेंगी, बरोबर बाबा कहते हैं विनाश तो होना ही है, तो पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई दुनिया, बाबा कहते हैं कि पुरानी विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो पुरानी के बाद नई, बाबा कहते हैं नई जो है वह तो होगी ही ना, जरूर है ही, बाबा कहते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प विनाश होता है, तब ही फिर भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। स्वर्ग का द्वार नरक से होकर के ही जाता है, पहले खुशी फिर दुख आता है, पहले सुख फिर दुख आता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है अब आते ही हैं, तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाएगी, नरक जो है स्वर्ग के द्वार खुलते हैं जब विनाश से ही, तो परंतु वे लोग समझेंगे कैसे, बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है, तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है बाबा कहते हैं, जिसमें आहुति पढ़नी है, यह भी तुम जानो और ना जाने कोई। बाबा कहते हैं विजय तो पांडवों की ही होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव, बाबा कहते हैं जो तुम पांडव हो ना, तो वह रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो, है ना। बाबा कहते हैं यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, सबका दुख हरता सुख करता और सर्व का सदगति दाता, है ना। तो इस तरह से जो है बाबा कहते हैं कि सर्व का जो सदगति करने कराने वाला है ना, तो वह सदगति देने की जो है बारी जाएंगे, जो सदगति देने वाला है उस पर बारी जाएंगे, मेरा तो आप दूसरा ना कोई। इसका मतलब यह नहीं है कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, है ना, बाबा कहते नहीं।
गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ। बाबा कहते हैं कोई रोक टोक नहीं है, मन मना भव बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है, यह भी तुम जानते हो। पवित्र रहना है, छींछी खाना आदि नहीं खाना है। बाबा कहते हैं मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी तो आफतें, बाबा कहते हैं आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली बाबा कहते नहीं जो है, बाबा इस तरह से कहते हैं कि मुरली तो जो पवित्र रहना है, छींछी खाना नहीं खाना है। बाबा कहते मुरली तो मिलती ही है, कोई समय नहीं भी मिलेंगी तो बाबा कहते हैं आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिल नहीं सकेंगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा, प्रलय तो होती नहीं दुनिया को। बाबा कहते हैं एक ही है, बाबा कहते हैं दुनिया एक ही है, नई सो पुरानी होती है, है ना। बाबा कहते हैं इसमें महाप्रलय नहीं होती है, दुनिया एक ही है लेकिन वह नई से पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष अभी पड़े हुए हैं, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है, साइकिल 5,000 वर्ष की ही है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। आप इस संसार में इस व्यक्त इस साकार शरीर को जो दिखने में आता है, इसे लेकर वो अव्यक्त आत्मा जो दिखने में नहीं आती है, इस चमड़े को इस शरीर रूपी कपड़े को पहनती है, लेकिन वो आत्मा का डायरेक्टर क्रिएटर कौन है यही नहीं जानते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरह से क्या कहेंगे उन्हें। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह तो जानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति जानते हैं बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार रिपीट, बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं जो हूँ जैसा हूँ और जैसा इस ड्रामा का लिखा हुआ है वो बदली नहीं होता है। जो इस समय तो कोई आप मूवी आदि बनाते हैं तो सीन को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं जो एक बार रील बन गई तो उसे करेक्ट अनकरेक्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह से बाबा कहते हैं मैं भी जो हूँ उसी अनुसार रिपीट करता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी पार्ट मैं आता ही, बाबा कहते भक्ति मार्ग जो है ना तो मैं आता ही हूँ, एक बार पार्ट बचाया। बाबा कहते हैं अब इस तरह से जो भक्ति मार्ग में भी पार्ट बचाया, अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाबा कहते हैं तो मैं आता ही हूँ एक बार कल्प में, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप समान ओबीडियंट बनना है, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है, निरहंकारी और निराकारी अर्थात खुद को आत्मा निश्चय करना है और निरअहंकारी मैंपन देह का भान ना रहे, मैं से ही मन मैला
होता है, इस शरीर के मान सम्मान के लिए ही मैंपन आता है। दूसरा बाबा ने कहा, बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखें तो फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए, लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतः बाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मानसा पावरफुल होगी। आज का स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। देखिए, जो फेरी में कहानियां हमने सुनी है कि परियां उड़ती हैं, तो देखिए परियां एक्चुअली कोई शरीर के साथ कोई ऐसी कहानी नहीं है कि परियां ऊपर उड़ती हो। एक्चुअली हम आत्माएं उड़ती हैं फरिश्ते बन करके, है ना, फेरी बन करके आत्माएं उड़ती हैं, ना कि कोई शरीर के साथ कोई परी उड़ती, परी शरीर के साथ नहीं। और परमात्मा ईश्वर ने हमें कहा है कि ये जो मांडव के सितारे हैं, चांद और सितारे, उनके निकलने से तो रात होती है, लेकिन इस धरा पर जो आप आत्माएं रूपी सितारे हो, जो स्टार्स हैं, वो इस धरा पर आकर जो रात को दिन में बदली करते हैं, तो तुम जो हो सितारे, असल में तुम सितारे हो। तो बाबा हम बच्चों को इतना जो टाइटल दे के रखे हैं कि यदि आप एक टाइटल को ही अपना स्व में टिक जाए उस टाइटल में, तो फिर आप अपने आप ही उस परमात्मा की याद में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।